हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 एंड 29। तो क्वेश्चन नंबर 26 एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक ऑफ हिंद क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है प्रीवियस ईयर का, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है करेंट ईयर का 360 रुपये, मगर उसमें से 60 रुपये जो है करेंट ईयर का वो रिसीव नहीं, 60 रुपये का अकाउंटिंग होगा। फिर यहाँ पे रिसिप्ट का आइटम दे दिया है, फिर यहाँ पे पेमेंट का आइटम दे दिया। रिसिप्ट इनकम में जाएगा, पेमेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा, और यहाँ पे कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर भी है, जैसे कि प्रिपेयरिंग एक्सपेंसेस है एंड कैंटीन आर्टिकल्स है, और कैश बैलेंस दे दिया है प्रीवियस एंड करेंट ईयर दोनों का। तो चलिए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले ओपनिंग क्लोजिंग एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए। तो ओपनिंग बैलेंस में हम लोग पहले सब्सक्रिप्शन लिखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि 40 रुपये दिया हुआ है, और कैश बैलेंस लिखेंगे जो कि 36 रुपीज़ दिया हुआ है। तो फिर यहाँ से हम लोग कैपिटल फंड निकालेंगे, इसको प्लस करने आएगा हम लोग का 76। तो ये हमारा कैपिटल फंड होगा, क्योंकि कोई और अकाउंटिंग नहीं दिया था वही के लिए। अब चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे हम लोग, तो पहले सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग करेंगे हम लोग। बाय सब्सक्रिप्शन 360 रुपीज़, उसमें से आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर का जो कि दिया हुआ है, प्लस होगा 60 रुपीज़। तो इसको हम लोग प्लस करेंगे तो आएगा 240। उसके बाद सेकेंड आइटम है रूम रेंट, 20 है। फिर गेम फी है, बाय कैश फ्रॉम कैंटीन 250। हम एक्सपेंडिचर का आइटम लिखेंगे, तो पहला आइटम है सैलरी, दूसरा है रिपेयरिंग। रिपेयरिंग में एक यहाँ पे देखिए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है रिपेयरिंग एक्सपेंस जो कि 16 रुपये का है, तो यहाँ पे प्लस होगा, ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, 40 रुपीज़ आएगा। फिर तीसरा आइटम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 60 रुपीज़ है। फिर कैंटीन है, इन्फॉर्मेशन है वो भी आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर का, 44 रुपीज़, तो ये भी प्लस होगा, तो आएगा 214। उसके बाद है वॉचमैन वेजेस, 36 है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, 3 रुपया है। फिर रेंट एंड टैक्सेस है 100। तो ये हम पूरा इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम को हम लोग यहाँ पे छाट करके लिख दिए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं किसका ज़्यादा अमाउंट है, डेबिट या फिर क्रेडिट। यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर का ज़्यादा है, और यहाँ पे इनकम कम है, तो इधर होता है, तो यहाँ पे हम लोग डेफिशिएट लिखेंगे, ऐड कर लेते हैं। इधर का अमाउंट है 830, तो 830 में हम लोग इनकम का अमाउंट को माइनस करेंगे तो 20 आएगा, तो डेफिशिएट हम लोग का 20 है। तो चलिए अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट का बनाते हैं। पहले हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 60 रुपये जो कि करेंट ईयर का है, फिर कैश बैलेंस स्टैंडिंग रिपेयरिंग जो कि हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर के साइड के वो 16 रुपये और एडिशनल था वही के लिए इसका डबल अकाउंटिंग हुआ। फिर आउटस्टैंडिंग कैंटीन जो कि 44, यहाँ पे भी डबल अकाउंटिंग था वही के लिए इधर के। फिर कैपिटल फंड हम लोग जो निकाले थे, और फिर डेफिशिएट इसमें माइनस करेंगे तो हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ईजी था और बहुत ही सिंपल वे में बन गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बनाते हैं।
देखिए इसमें बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें हम लोग को दो अकाउंट बनाना है, पहले बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बस आइटम पुट करके लिख देना है। तो पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं, फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे हम लोग, 1000 रुपये दिया हुआ है। दूसरा है रिपेयर जो कि 4800 रुपीज़ दिया हुआ है। तीसरा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो कि 12000 दिया हुआ है। एंड सप्लाई फॉर कैंटीन यहाँ पे देखिए 34000 है, यहाँ पे गलती हो गया था। तो फिर वेजेस है 27200, फ्यूल एंड गैसेस है 16000 एंड रेंट है 20000। तो मैं यहाँ पे पेमेंट का आइटम पुट कर दी। अब रिसिप्ट का आइटम यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। बैलेंस वीडी दिया हुआ था 7200, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर का, तो हमने यहाँ पे प्लस करके लिखे। फिर रेंट ऑफ रूम दिया हुआ था 4000 एंड टेबल टेनिस रूम है 24000 एंड कैंटीन रिसिप्ट था 50000। तो हम लोग बस यहाँ पे देखे आइटम देख के पुट कर दिए थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे कि ज़्यादा किधर का है, रिसिप्ट या पेमेंट। तो यहाँ पे रिसिप्ट में ज़्यादा अमाउंट था और पेमेंट में कम था, तो फिर हम लोग बैलेंस सीडी करके बैलेंस फिगर दिखा दिए। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया। अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो बस यही का देख के जो पेमेंट का आइटम है वो एक्सपेंडिचर में चल जाएगा, जो रिसिप्ट का आइटम है वो इनकम में चल जाएगा। बहुत ही ईजी है, बस एक जगह पर इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन करना है। तो चलिए पहले बनाते हैं, पहले हम लोग पेमेंट का आइटम को लिख लेते हैं। टू सैलरी 40000, टू रिपेयर 4800, फिर रिपेयर में देखिए यहाँ पे एक और एक एडिशनल दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन। रिपेयर में आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस है 3200, तो ये आउट स्टैंडिंग है तो प्लस होगा 4800 में प्लस होगा 3200, तुम लोग का आएगा 8000। ये नहीं होगा, पहले अंदर अकाउंटिंग करना फिर बाहर लिखना। तो फिर उसके बाद थर्ड आइटम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12000 है ये वो। उसके बाद है सप्लाई फॉर कैंटीन, बस जो हम लोग पेमेंट का आइटम लिखे थे वो हम लोग एक्सपेंडिचर में लिखते जा रहे हैं, और जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप ऐड कर दीजिए। बस यही बहुत इजी था, देखिए 34000। फिर वेजेस हैं 27200, फिर टू फ्यूल एंड गैसेस है 16000, फिर टू रेंट है 20000। तो ये हम लोग पेमेंट का आइटम एक्सपेंडिचर में लिख दिए। अब रिसिप्ट का आइटम हम लोग जो ऊपर बनाया है वो इनकम में लिख देंगे। तो पहला आइटम था सब्सक्रिप्शन, बाई करके लिखना है। देखिए सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पे, मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले यहाँ पे बोल रहा है ये अंदर नहीं होता सबका, तीनों का ए सिंगल अकाउंटिंग होगा, इसका तो हो चुका। तो बोल रहा सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का था 72000 रुपये, जिसमें से अभी 12000 रुपया नहीं रिसीव किया गया, तो 72000 में हम लोग 12000 प्लस कर देंगे तो हम लोग का आएगा 84000, समझे। तो यहाँ पे मेरा 84000 कहाँ से आपको समझ में आया, 72000 में हम 12000 प्लस कर दिए क्योंकि 12000 रुपया नहीं दिया गया है, तो अभी आएगा वही के लिए। तो फिर हम लोग सेकेंड आइटम है रेंट ऑफ रूम 1000, फिर टू टेबल टेनिस रूम 24000, टू कैंटीन रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है देखिए 50000 में हम लोग माइनस करेंगे 8800, तो हम लोग आएगा 1200 आएगा। तो फिर अब हम लोग देखिए पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा आइटम पुट कर दिए, तो अब बस देखते हैं किधर ज़्यादा है किधर कम है। तो एक्सपेंडिचर डालना है और इनकम कम है, तो शीट लिखेंगे। पहले हम लोग इधर अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, तो आता है 1,57,200 में हम लोग इनकम का आइटम को माइनस करेंगे तो हमारा डेफिशिट आएगा, जो कि ये बैलेंस फिगर है 4000। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया, बहुत इजी था। पहले हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था जो कि दिया था, देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाए हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिए उसी के